कनेर के पीबीएम के शिशु अस्पताल में बच्चों की मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है और यह आंकड़ा 178 पहुंच चुका है। रविवार के बाद अब तक 4 नवजातों की मौत हो चुकी है। रविवार को आईसीयू में 3 नवजातों की बच्चों की मौत के बाद ही राज्य सरकार ने 2 चिकित्सकों को विस्तृत रिपोर्ट के साथ जयपुर तलब किया था। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य HS कुमार ने शिशु अस्पताल में दिसंबर जनवरी बच्चों की मौत की जांच के लिए 3 चिकित्सकों की कमेटी गठित की थी। कमेटी बच्चों की मौत के साथ साथ अस्पताल में उपचार की व्यवस्था की रिपोर्ट 3 दिनों के अंदर देगी। समय अनुसार संवाददाता के सिंह ने प्रदेश में हो रहे बच्चों की मौत पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राग मेघवाल से खास बातचीत की है। जोधपुर और बीकानेर में भी मौतें हुई, बात करना चाहेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल से। सर क्या कहेंगे सर, इतनी बड़ी मौतें? मैंने आपको अभी कहा कि ये बैड गवर्नेंस। अशोक गहलोत साहब शासन में आए सुशासन के नाम पे, गुड गवर्नेंस के नाम पे, एंड द गुड गवर्नेंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए बैड गवर्नेंस। इसलिए उनके जो उप मुख्यमंत्री, उनको बोलना पड़ा कि खाली पुरानी सरकारों को कोसने से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जब ये बात अशोक गहलोत साहब से पूछी गई जोधपुर में, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा अशोक गहलोत साहब, ये जो बच्चों की मौतें हो रही है इसमें किसी न किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और गवर्नेंस ठीक करना चाहिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। आपने कई बार विजिट किया पीबीएम हॉस्पिटल के लिए, यही मैंने कहा कि पीबीएम हॉस्पिटल में कई बार मीटिंग की। एक बार तो हमारे सुमित गोदारा जी, हमारे अध्यक्ष जी, पूरे पुराने ये सब थे। मैंने कहा 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन गया, इसका उद्घाटन तो कराओ। एक साल हो गया पूरा बने हुए, तो पहले हमारे चुनाव में तो कहा इसको तो अर्जुन मेघवाल को क्रेडिट मिलेगा। अरे भाई हमारा चुनाव भी हो गया, अब तो करा दो। बीकानेर की जनता परेशान हो रही है कि भी इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, उसका उद्घाटन होना चाहिए। क्या सर केंद्र से जांच की कोई टीम आएगी बीकानेर में? जितने जहां जहां भी इस तरह की बातें हुई है, केंद्र अपने स्तर पर जरूर कार्रवाई करेगा। निश्चित रूप से केंद्र अपनी तरह से कार्रवाई करेगा और बीकानेर में भी जांच टीम आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। के सिंह, सारा समय बीकानेर। और इस पर खास जानकारी के लिए बीकानेर से हमारे सहयोगी के सिंह जी। के जी, जिस तरह से लगातार जांच कमेटियां बिठाई जा रही है, लगातार दौरे के लिए नेता आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सलूशन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कहा जाए? स्वास्थ्य विभाग से कहां पर चूक हो जा रही है कि बार बार जो बच्चों के मौत का आंकड़ा है वो बढ़ने में लगा हुआ है? बिल्कुल, आज में मौतें घटकर 178 हो चुकी है, और ये हम अगर शाम तक माने तो लगभग जो आंकड़ा है वो 185 ही होने की उम्मीद की जा रही है। जहां तक हम व्यवस्थाओं की बात करें, ठंड है और जहां पर जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, तो बता दें कि लगातार जिस तरह से अब मौत का आंकड़ा जो है बच्चों का बढ़ता हुआ जा रहा है, और अब जो बीकानेर में अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा 178 पहुंच चुका है। रविवार के बाद अब तक 4 नवजातों की मौत यहां पर हो गई है। रविवार को आईसीयू में 3 नवजातों की मौत के बाद ही राज्य सरकार ने 2 चिकित्सकों को विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। और लगातार जानकारी के हमारे सहयोगी बने हुए जी बीकानेर से, के जी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार तमाम टीमों का गठन किया जा रहा है, तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन क्यों स्वास्थ्य विभाग इस तरह से लचर दिखाई पड़ रहा है? क्या अस्पताल प्रशासन इस पर कह रहा है और क्यों इसका सलूशन नहीं निकाला जा रहा? जी देखिए, जहां तक हम बात करें, यहां के जो मेडिकल अधिकारियों की, उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमारे यहाँ मौतों को वे लोग बहुत साधारण मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि इतने पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती होते हैं तो हमारे यहाँ मौतें हैं, ये 2-4 मौतें होना बड़े हल्के में ये लोग ले रहे हैं। और जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की बात करें, तो अर्जुन मेघवाल ने भी एक तरह से गंभीरता से गुड गवर्नेंस के ऊपर, अशोक गहलोत के ऊपर बड़ा सवाल उठा दिया है। और खास बात है कि यहां के प्रशासन को भी उन्होंने, मेडिकल प्रशासन को भी उन्होंने एक बात कही है कि जहां पर व्यवस्थाओं को तुरंत कंट्रोल कीजिए, और केंद्रीय एक तरह से टीम को भी बीकानेर में बुलाने का बात कही जा रही है, और शायद केंद्रीय जो निरीक्षण दल है वो यहाँ पर बीकानेर में दौरा करेगा और वो मौतों का कारण जानने का भी प्रयास करेगा। निश्चित रूप से उसके बाद ही सभी कुछ संभव हो पाएगा। और अधिकांश, हम बात करें वार्मर की बात करें, चाहे हम वेंटिलेटर की बात करें, अधिकांश चीजें खराब यहाँ पर नजर आ रही है, और बेहद यहाँ पर जो स्थिति है वो एक
एक तरह से क्रिटिकल स्थिति है। अब जरूरत है कि यहाँ पर अभी भी कोई भी सरकारी बंदा है, जो सरकारी अधिकारी हैं या चाहे मंत्री हैं, राजस्थान सरकार के कोई भी मंत्री ने किसी तरह की यहाँ पर विजिट नहीं की है, जयपुर में बुलाकर यहाँ के अधिकारियों से बातचीत जरूर की है, यहाँ से आंकड़ा मांगा है, सब कुछ मांगा है, लेकिन ये सब जो यहाँ पर जो आके और निर्देश जो देना चाहिए वो वैसी चीज कोई भी चीज सामने नहीं आई है। बिल्कुल, सरकार जो लगातार वो आंकड़े मांग रही लेकिन धरातल पर कुछ काम नहीं कर रहे, तो क्या कहा जाए? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि डॉक्टर से कह रहे हैं कि जो मौत हो रही है, मौत होना आम बात है, हालांकि जो आंकड़ा है वो 178 तक पहुंच चुका है, तो क्यों डॉक्टरों पर कोई प्रेशर नहीं बनाया जा रहा, कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा इसमें सुधार के लिए, क्योंकि लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल, रोजाना यहाँ पर जो मौतें हो रही है उस पर एक तरह से बड़ा सवालिया निशान है, और बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर टी के बैरवाल, जो भी जो सुपरिटेंडेंट हैं वो अवकाश में हैं, और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे बच्चा यूनिट है उसके प्रभारी भी हैं और साथ ही वे अधीक्षक भी हैं, वे अवकाश पर हैं। अब चूंकि टेम्पररी जो जो लोग हैं उस व्यवस्थाओं को पूरी तरह से संभालने का प्रयास में है, लेकिन जो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, दूसरी जो कंबल की व्यवस्था है, ये सभी व्यवस्थाओं को तो माकूल किया जा चुका है, लेकिन अभी तक जो व्यवस्था जो सुधार होना चाहिए, जो मौतों पे कंट्रोल नियंत्रण की बात है, वो अभी भी यहाँ पर स्थिति खराब है। क्योंकि हम बार-बार की बात जो है स्थितियां वहाँ पर चरमराई हुई हैं और किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है, जो लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, वाकई बेहद शर्मसार है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत।